राम की छोड़ के की कुशल है। अरे राम भी तो हमारा है, राम हमारा है ना, सो हमने जो कही के नहीं मिले। अच्छा, घर को भतीजो हो, घर को लड़का हो, चाहे जेठ को हो, चाहे देवरानी को हो, लेकिन खास खास ही हो। अरे क्या बात है, इन महलन में मट्टी के तेल की बास कब हम नहीं आए। आ जा रहे हैं आज, तो क्या जाने कौन सी कैसे लगवा लगी हमने। महारानी जी तो राम है छाण कुशल कहे आजू, जिने दिनेश दी है युवराज। अच्छा, राजा बना रहे राम। हाँ, बड़ी प्रसन्नता के लिए बात बना रहे राम। इस देश का राजा बना है और ऐसे खुशी के अवसर पर तुम अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हो। यही को तो रो है। अच्छा, इसी बात का रो रहा है। यही को तो रो रही। क्यों का के देखो तो बेटा भारत का लड़का नहीं है तो उखो नन हाल में डाले उके बोलाओ सुंदर नन्या खबर नहीं दई और राज कराम लगे राज और जी को राज हुए चचे तो उखो बुलाओ तक नंजा तुम्हें अच्छो लग रहा हो। हाँ हमारे तो चाची काशी राम राजा बन जाए या भरत राजा बन जाए, कोई राजा बन जाए। अच्छा मुझे अपनी प्रश्न। अच्छा इतिहास क्या है, चाहे राम राजा बन जाए, हाँ चाहे भरत बन जाए, और क्या मुझे तो प्रसन्नता है। अच्छा अच्छा, तुम कौन फर्क न जानते भाई, अंतर ही नहीं मान। क्या अंतर है राम भरत में, कोई अंतर नहीं। यही से तो हम कल्लती के तुम पूरी भोली भंपू हो, तुम नहीं जानती महारानी जू। अरे इतिहास इतिहास, हम रोटी खा ली हुई तो तुम भर दे। अरे का तुम्हारे पेट में पहुंच जे, भोजन वाली बात अलग है। अच्छा ऐसे कैसे अलग है, आखिर में तुम कहना क्या चाहती है। हम जो कह चाहती कि अगर बेटा भरत राजा बन जाए अच्छा तो कौन हो रही बात। मैं ये चाहती हूँ कि अगर राज हो तो राम को नहीं भारत को हो। अच्छा तू ये चाहती है। हम यही जो चाहते, तू हमारी बड़ी हितेशन है, पूरी जिंदगी तुम्हारा सेवा करत करत काट दई, तुम्हारे मताई बाप ने हमें पहुंचाओ तो के जाओ मोड़ी के संगे हमारी बिन्नू को कोनो मनहित ना हो जाए और दासी मथुरा के होते हुए। अरे तुम्हारा अगर अनहित हो गया तो मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। सही बात है दासी, तू मेरा भला चाहती है। चाहती नहीं है, चाहती नहीं है तो सुन घर भरू निकलिया जितने भी होते हैं सब कुटाली चाल के होते हैं। चल निकले यहां से, जा रहे चल निकली यहां से। बेटा भारत को राज की कई सीमा हो लगी उड़िया में कौन हम लोग आ रहे, तुम कुछ करो है, तुम तो डांट नहीं रहे। चुप हो जा बिल्कुल, रोई नहीं सकती कि ऐसी बात कर रहे, लेकिन जा सेवा ना करो। हाथ पांव तक तो खटाक हो गई। आई किशोर तेरी मत मारी है, स्वच्छ रोहिणी अब तेरी को
तसल्ली नहीं भाई, अब हमारे दांत जाने का मन धरा कि घिची का कुआं हार दिया। महारानी जी कहिए दास, तुम्हारी तो प्यारे में हार हो रही, जीत हो कहां से रही? क्यों ये हार तुम्ही को शोभा दे? तुम्हारी प्यारे की हार हमें दे रही जी, फूलन की हार। यार तुम्हें सुबह नहीं दिखा क्या जी? दे रहे दो पैसा का गंज जोन साजी हैं मैं खुद डांटू की हार पकड़ा रही हैं मैं। महारानी जी कहिए दासी, जो हार पुतिया को है ये हार तुम्हें को शोभा दे। हाँ। दासी ना लालचन माल की है जीत राम और हार उस भोले भरत लाल की है। कैसे दासी? अरे जब कुछ याद तुझे है रानी जी, अरे जब ब्याह किया था राजा ने और तेरा ही पुत्र निरपति होगा ये वचन दिया था राजा ने, और तुम्हें तनकऊ भी नहीं भीज रही है कि तेरे राम को राजा बना रहे का भरत को। लेकिन हम जान गए हमारे काय को तुम पे कोनो असर ना पड़े, हो रंग दूसरो चढ़ो और जी पे रंग चढ़ो होए तो रंग बहुत देर में उतरे, अगर टीन को चश्मा चढ़ो होए तो बहुत देर में निकले, और जब निकल जाए तब पतो परत क्यों रे हम आदमी हमसे सही कह रहा हूं। तो महारानी जी तुम हमारी नहीं मान रहे, तुमने हमें कुचर के धर दो कुचर। अब सुनो, हमने बस एक ही बात सोच ली कि हम रात और दिन मोल रे अपनी जीव में तारो लगा लो, ना काव की सुनने ना भौंकने। बताओ तुमने हमें घर फोड़ू बना दो, ओ भगवान ओ जीती हरो तुम्हें भगवान को कॉल आए इतने दिन से आ रही आज तक हम काव के घर में घुसी घुसी, काव को घर फोड़ो आज तक नहीं फोड़ो जी की कही हो जैसे फका फार कही हो।
हमने झूठी आज तक काव की नहीं कही, अब तुमने हमें ठकुर सुहाती बना दो है, लूला लंगड़ा कुवरे है, कहाँ चली गई जी? ये आगा बैठ जाओ, आओ 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 दासी, अब इसे बस, अब शांत ही रहे हैं, अब हमें काव की कोनो बात ही नहीं करनी, बस हमारी बात सुनो। हाँ, मुझे एक सवाल है राम महाराज, एक ही पेड़ की शाखे है, मुझ चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं, यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, और गोदी का भरत दुलारा है, जो राम नैन का तारा है। अच्छा, तो एक काम करो, क्या कि कौन रखोय हमें कहानी, राजा चाहे राम बने चाहे भरत बने, भाई हमें तो राजमाता का खिताब मिलेगा नहीं। इतनी बात जरूर है कि अगर कोई पूछे तो काय जी पूजा रही, तो आदमी फिर हमसे मंथरा दासी नहीं के है, क्या कहे के राजमाता के गई की दासी जा रही है, और तुमने जा कहीं सुनो कद्रू बिनता दीन दुख तुम्हें कौशल्या दी, जिस प्रकार से कद्रू ने बिनता को दुख दिया था ठीक उसी प्रकार से वो सौर कौशल्या तुमको दुख देगी, रेख खचाए कहो फल भाखी, और भामन भई दूध कर माखी। आज मैं ये बात रेखा खींच के कहती हूँ कि तुम्हें वो सौत कौशल्या महलों में से ऐसे निकाल के फेंक देगी जैसे एक हलवाई अपने दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है। दासी, अभी तुमने कहा तुम्हें सौत की सेवा करना पड़ेगी, सौत की मुझे गुलामी करना पड़ेगी, करने ना। सौत होती कैसी है? अपने जीवन में मैंने सौत नहीं देखी, नहीं देखी ना, जितने देखी और जिनके सोते होंगे उनसे पूछो कैसे कैसे करम धरम हो, हो तुम नहीं हो सोच चून की बुराई हो, आओ लियो, आओ आओ सुन लो। महारानी जी एक जनन के दो बीवी हती, एक जनन के दो बीवी हती, चले चले क्या है, एक आदमी के दो बीबी हती, आदमी आओ, एक आदमी, आदमी नहीं जानता लुगाई जानती। अच्छा एक जने की दो लुगाई हती, फिर क्या हुआ? का भवन में खूब थम्मा धाई होती, अच्छा ऐसी पान परंजन की होती का बाबू अकेला में चप्पल लेके वो तुरो मर जाए, बाबू से कहती वो तुरो मर जाए, बाबू की गलपटी से करती बाकी गलपटी से, उनमें एक सूदरी है, अच्छा एक जोन बाब अच्छी खासी हती, बा चली गई माय के, पूरे दूसरे दिन हम तो ऐसे निकली, सो हमसे बोली ओ नानी हम यहाँ, बोली ऐसो कोनो टोटका है कि हमारी सोत मर जाए, टोटका टोटका क्या होता है? जो है जादू टोना, अच्छा उपाय, उपाय हमने की जो तो हम छाटे धर, अच्छा आओ आओ तू होशियार है, बोली काका नहीं आए, हमने कही सुनो जब रोटी बनावे बैठो तो एक चून की सोत बना दियो, अच्छा हो बाकी हाथ गोड़े सब बना के चूल्हे पे सात बेर उसार के और चूल्हे में दे दी जो के ले सास मर जा भर जा, अच्छा हमने कही हाल मर जा, फिर क्या तो मैं तो टोटका करो मायके में वो मर जे, अच्छा उनने उसे ही करो जैसे रोटी बनाई, अच्छा जब लाइट बंद कर दूं आंखन पे जा रही का फायदा, नेत्र है तो सब कुछ है, आंखें फूट गई तो लला बाबू कोनो दिन की नहीं रहे, आओ फिर क्या हुआ दास? महारानी जी फिर हम तुम्हें का बताएं, उनने भी ऐसे ही करो रोटी बना भी बैठी हो इतो सो आटा पचो, सो ने चून की सोत बनाई,
बाकी मुड़ी बनाई और हाथ बनाए, घोड़े बनाए, मुड़ी बनाई, टुड़ी बनाई और अब बोली जा पक्का नहीं बनो। एक चीज नहीं बनी। क्या आंखें? बोली अगर इतनी आंखें नहीं देगा तो हैदर जा बात तो देखे ही देख क्यों क्यों वाले सुतो उठो फोन की देगा नहीं यार लगी डरी थी सो एक जातरफ लगा दे एक जातरफ लगा दे पर साथ में वो सारी दे दे चूल्हे में भापा फिर अगर एक किलो चूल चूल्हे में चलो जे चूल्हो तो हो जाएगी अब लगी फूंक में चूलो तो नहीं पारो अच्छा जोन बोल मन लगो तो आखन में डिंगा दिया हां हां हाय से मुंह लगा के फूंक रही थी अच्छो लकज्जा को बैठो ता सो एक लकज्जा का चट बिद्दा किया कर दई बाने फाटा अच्छा जब तक वो बताई बोली मर गई जब तक दूसरी चटकी चट सो दूसरी में भाई फाट सुबह ने दो ही फोड़ दई अच्छा अब जब चून की सोत ने दो ही आंखें फोड़ दई तुम्हारा तो जिंदा दो दो बैठे सही बात है दादा सुन मेरी बात सुन मन प्रभा के तोरी दादी आप क्या कर रहे हो दादी आप क्या कर रहे हो तुम्हारी दादी आंख तुमने इतना लट सुतो हो कि हम पूरा मांस फाड़ दो लेकिन दादी हां कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे राम राजा ना बन पाए उपाय है दो ही वरदान भूप संस्थाती पर मांगो आज जुड़ावो छाती तुम्हारे महाराज पर दो वरदान पड़े हैं आज उन वरदानों का समय आ गया है लेकिन दादी वरदानों में मांगो क्या मांगो क्या कहा थी घोड़ा मांगने बता क्या मांग ये सो मांगने कि बेटा भरत बिल्कुल राज सिंहासन पे डटो ही रहे अच्छा हां हां बिल्कुल और दूसरे वरदान दूसरे वरदान में हां ये राम जो राजा हो रहा है हां पहले वरदान में बेटा भरत को इसे अयोध्या करवा और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का दासी दासी वरदान कभी 14 वर्षों के लिए आओ आओ दासी इस अयोध्या का राज तो भरत के लिए मांग सकती हूँ लेकिन राम के लिए 14 वर्षों का वनवास नहीं मांग सकती नहीं मांग सकती हम जान रहे थे कि जैसे तैसे पटरी पे गाड़ी चढ़ी वह फिर उतर गई अब बताओ नहीं मांग सकते नहीं दास तो जैसो तुम्हें दिखाए देवी जी ऊसो करो हम चली राम के लिए वनवास मांगना पड़ेगा मांगने ना जब अपनो काम मनाओगे तो जो हम कर जा रहे हैं वो कर जाओ अच्छा ठीक है दास दासी तू बूढ़ी है तेरी मन की बलहारी है हे आपसे भरत लड़ी तेरा तू ही उसकी महारानी अब क्या करो अब एक काम करो हाँ कि जब कोनो हट ठानी जा हाँ हाँ तो इन महलन में नहीं मांगे जात वरदान अच्छा महलों में नहीं मांगना है हाँ फिर कहाँ सीधी चील गाड़ी बनी जाओ और को भवन में पहुंचो को भवन में दासी वहां अंधेरा है मुझे डर लगेगा तुम मेरे साथ चलना अरे तुम्हें कहा करने वो भवन ही किला में है अच्छा आओ ठीक को भवन में जाना और सुनो हाँ जब तक वरदान ना मांगियो हाँ जब राम की सौगंध ले लीजियो तब वरदान मांगियो राम की सौगंध क्यों अरे ले तुम नहीं जानती आदमी की जवान और गाड़ी को पच्चा बराबर हो ना जाने कब कितने धड़क जाए अच्छा इसे पहले राम की काय राम को विशेष चाल हाँ हाँ अच्छा विशेष सजीव तो राम की सौगंध राम को तो ले ही लीजियो सौगंध और सुनो हाँ जी सब हार मार उतार के फेंक पूरा श्रृंगार उतार के सब हाँ सब बिल्कुल सब सब जी कपड़ा लत्ता सब फेंक सब आओ सब आओ
सब उतार के फटे पुराने पैर के जाने। अच्छा आओ ठीक जाओ जाओ और सुनो। हाँ खूब त्रिया चरित्र दिखा दियो नाच नखरे दासी। हाँ त्रिया चरित्र मैंने अभी तक देखा है। चलो हम भीतर अकेले में बताएंगे थी आ जाओ आओ चलो।